नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पक्षपात का आरोप करते हुए युवा कांग्रेस ने किया मनपा आयुक्त कार्यालय में घुसने का प्रयास। शहर से कांग्रेस के बैनर हटाने को बनाया युवा कांग्रेस ने मुद्दा। कोराडी स्थित महाजेनको में 5 लेबर के जाली आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आई सामने। कोराडी पुलिस ने किया एक आरोपी को गिरफ्तार। बाढ़ग्रस्त परिसर में शॉर्ट सर्किट के धोखे के कारण बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं। 2 दिनों में बिजली आपूर्ति सुचारू करने का ऊर्जा मंत्री का दावा। और तहसील पुलिस ने पकड़ी 1000 लीटर की महुआ शराब। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को युवक कांग्रेस द्वारा नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त और सत्ताधारी मनपा की मिलीभगत से अन्य राजनीतिक दलों से पक्षपात करने का आरोप युवक कांग्रेस ने लगाया है। बुधवार को नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में कांग्रेस के साथ पक्षपात का आरोप करते हुए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था ने उसे नाकाम किया। नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में युवक कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मनपा सत्ताधारी और मनपा आयुक्त की मिलीभगत से कांग्रेस पार्टी के साथ अन्याय किया जा रहा है, जबकि भाजपा नेताओं के पोस्टर शहर भर देखे जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बैनर लगाए जाने पर उसे निकाले जाने का हुक्म मनपा आयुक्त कार्यालय से निकाला जाता है। ऐसा आरोप युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। रविवार आमच्या कांग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय श्री गिरीशभाऊ पांडव यांच्या वाढदिवसानिमित्त दक्षिण नागपूर विधानसभेमध्ये भव्य आरोग्य व रोगनिदान शिबिर ठेवण्यात आलेलं होतं। त्या संदर्भात त्यांची जी कारवाई होती, महानगरपालिकेने रात्री 2 वाजता गाडी पाठवून त्या कार्यक्रमाचे सर्व बॅनर होल्डिंग हे काढले। आम्ही रविवारचा कार्यक्रम झाल्यावर काल आम्ही आयुक्तांना जबाब विचारायला आलो, सहायक आयुक्तांना, तर त्यांनी कबुली जबाब असा दिला आहे की आम्हाला आदेश होते की नाना पटोलेंचे फोटो असलेले बॅनर आणि काँग्रेस पक्षाचे बॅनर हे काढा, असा आदेश आम्हाला मनपा आयुक्तांनी दिलेला आहे। तर आम्ही आज आयुक्तांना हे विचारायला आलेलो आहे की तुम्ही पक्षपात करून कारवाई करताय की तुम्हाला असा आदेश देणारे कोण, तुमचे बोलविते धनी कोण आहे, यांचं नाव आम्हाला त्यांनी द्यायला पाहिजे की ते कोणाचा आदेश मानतात, ते सामान्य जनतेचा आदेश मानतात की ते कुठल्या एखाद्या माजी नेत्याचा आदेश मानतात। त्यासोबत भाजपचे आज चौकाचौकात पेंडल लावून कार्यक्रम चालू आहे। आम्ही काल यांना फोटो दिले की याच्यावर आपण काय कारवाई करणार, तर त्यांचे उत्तर आहे की आम्ही ही अर्जंट कारवाई नाही आहे, आम्ही याच्यावर निर्णय घेऊ आणि मग कारवाई करू। आणि शनिवारी सुट्टीच्या दिवशी रात्री 2 वाजता फक्त काँग्रेसचे बॅनर काढायची ही तत्काळ कारवाईचे आदेश मनपा आयुक्तांनी दिले होते। तर आरोग्य शिबिर जर यांना चालत नसेल, लसीकरण शिबिरवर 3 महिन्यापासून अनधिकृत बॅनर लागलेले आहे, सर्व महानगर नगरसेवक महापौर सगळ्यांनी आपल्या तिथे बॅनर लावून ठेवलेले आहेत, आमचा प्रश्न आहे की ते अधिकृत आणि आम्ही अनधिकृत असं आहेत का? असं असेल तर आम्ही आज यांचा भव्य जाहीर अनधिकृत प्रवेश घ्यायला आलेलो आहे की तुम्ही भाजप अनधिकृत प्रसिद्धीप्रमुख नागपूर महानगरचे पदाधिकारी बना, या नात्याने आम्ही आज इथे आलेलो आहे। नागपूर महानगरपालिका में किए गए विरोध प्रदर्शन में युवक कांग्रेस द्वारा आक्रामकता देखी गई, जहां सत्ताधारी भाजपा और मनपा आयुक्त पर मिलीभगत का आरोप करते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने मनपा कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नागपुर से पूजा प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वीकेबी न्यूज के लिए। कोराडी स्थित महाजेनको पावर प्लांट में जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट देकर मजदूरों को काम पर लगाए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में पुलिस विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ओडिशा निवासी बताया जा रहा है। सरकार ने किसी कर्मचारी या बाहरी लेबर को कार्य पर रखने के लिए कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी है, लेकिन आज भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जाली आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर लेबर को काम पर लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कोराड़ स्थित महाजेनको पावर प्लांट में सामने आया है, जहां बाहरी राज्य से 25 लेबर को महाजेनको में काम करने के लिए लाया गया, जिनमें से 5 लेबर के आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नकली होने का खुलासा हुआ है। इस मामले में आरोपी मधुसूदन को गिरफ्तार करने की जानकारी कोराड़ी पुलिस विभाग द्वारा दी गई है। महाजेनको के अंडर में एक मैकगेल नाम की कंपनी है, उसमें उसका वो संलग्न है आयरन एंटरप्राइजेस से। उसमें सुपरवाइजर पद पे जो काम करने वाला आरोपी का नाम त्रिलोचन मधुसूदन रथ है, वो उड़ीसा का रहने वाला है और उसी ने जो नए लेबर भर्ती करवाते हैं महाजेनको में काम करने वाले, उनके नकली आरटीपीसीआर टेस्ट के कागज बनाया और वो गेट पास बनाने के लिए महाजेनको की सुरक्षा कार्यालय में हाजिर किया। इस वजह से पोस्टे कोराडी में अपराध क्रमांक 226/21 कलम है 420, 465, 468, 471 आईपीसी रहने वाले 5 लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट बनाए आरटीपीसीआर टेस्ट के बनावट कागजात बनाए थे और टोटल 25 लेबर का ये बंच था, उसमें 5 लेबर के बनावट कागजात मिले हैं। आगे कुछ जानकारी मिली सर कि ये आरटीपीसीआर कहाँ से नकली आरटीपीसीआर बनाया गया? आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी का कहना ऐसा है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर उस यूट्यूब के माध्यम से वो उसने लैपटॉप पे बनाए और लैपटॉप से प्रिंटआउट निकाल के सुरक्षा ऑफिस में जमा किए। सुरक्षा ऑफिस के दस्तावेज चेकिंग के दरमियान बनावट होने का पता चला है। आगे की क्या जांच चल रही है सर आप लोग की, आगे की किस तरह का? आरोपी के तरफ से अपने को उसका जो भी ये ऐसे जो बनावट कागजात बनाए हैं उसने, वो लैपटॉप प्रिंटर और बाकी सब चीज़ें जब्त करना बाकी है, उसके ऊपर तपास चल रहा है और उसके साथ में कोई सह आरोपी है, इस बात को लेके तपास चालू है। वैसे तो महाजेनको में बड़ी संख्या में लेबर आते रहते हैं, लेकिन ये पहला मामला है जो उजागर हुआ है। उड़ीसा निवासी इसके मुख्य सूत्रधार मधुसूदन ने पुलिस को बयान दिया है कि जिन 5 लेबर की जाली रिपोर्ट सामने आई है वो उसने YouTube देखकर बनाई है, जबकि अब तक आरोपी मधुसूदन ने और कितने लेबर को जाली आरटीपीसीआर टेस्ट बनाकर काम दिलवाया उन सब की जांच कोराड़ी पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के कोकण और पश्चिम महाराष्ट्र में जगह जगह बाढ़ के पानी के जमाव के कारण अब तक उन इलाकों में बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की गई है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण जीवित हानि का धोखा होने के कारण बिजली आपूर्ति शुरू करने के लिए 2 दिन लगेंगे। ऐसी जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने मीडिया को दी। नहीं, आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक हो घातलेली आहे आणि त्या बैठकीत निश्चितपणे अनेक गोष्टींचा या संबंधीचा आढावा घेऊन निर्णय केला जाऊ शकतो, त्यामुळे निश्चितच काहीतरी पावलं उचलली जातील ही खात्रीलायक मला सांगता येईल। नाही, प्रॉब्लेम असा आहे की 25-25 फुटापर्यंत घरामध्ये पाणी शिरलं, विजेची लाईन आम्ही पोहोचवली आहे त्या ठिकाणी, परंतु पहिले प्रत्येक घराच्या इलेक्ट्रिक लाईन्स त्या जोपर्यंत तपासल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या घराचा वीज सप्लाय आम्ही सुरू करू शकत नाही, कारण त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होऊ शकतो, एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो शॉर्ट लागल्याने, त्यामुळं आम्ही ते टाळलेलं आहे। त्याला 2-1 दिवस आणखी लागतील आम्हाला आणि ते आम्ही करू, तत्पूर्वी आम्ही तिथले गव्हर्नमेंटचे ऑफिसेस, तुमचे टेलिकम्युनिकेशन सिस्टीम, हॉस्पिटल्स, पाणी पुरवठा याला प्रायोरिटी देऊन त्या ठिकाणी काम केलं आहे। ऊर्जा खातं फक्त एवढंच काम करत नाही तर ऊर्जा खात्याने मदतीचा हातसुद्धा पूरग्रस्तांना देण्यासंबंधीची मोहीम राबवली आणि त्या ठिकाणी आमच्या ज्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटना आहेत त्या स्वतःहून अन्नधान्याचं वाटप, कपड्यांचं वाटप त्या ठिकाणी करत आहेत आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्या ठिकाणी काम करत। नागपूर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत महुआ शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी के पास से 1,000 लीटर शराब बरामद की गई है। ये कार्रवाई टिमकी भानकेड़ा पुलिस स्कूल के पास की बताई जा रही है, जबकि महुआ शराब एक ऑटो में भरकर ले जाई जा रही थी।
मध्य नागपुर के टिमकी भानखेड़ा परिसर में तहसील पुलिस का एक पथक बुधवार रात को पेट्रोलिंग कर रहा था। तब उन्हें एक ऑटो संदेहास्पद स्थिति में नजर आया। जब पुलिस विभाग ने ऑटो को रोकना चाहा, तो ऑटो वहां से भागने की तैयारी में था, जिसे पकड़कर पुलिस ने ऑटो की तलाशी ली। तब ऑटो में ट्यूब में गांवटी महुआ शराब होने की जानकारी सामने आई। करीब 1000 लीटर महुआ शराब पुलिस ने जब्त की, जिसे ले जा रहे लालगंज निवासी सोनू सेलोकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। माननीय पुलिस आयुक्त सर ने पूरे नागपुर के सभी सीनियर पीआई को निर्देशित किए कि हर दिन रात को दारू जुगाड़ जो भी अवैध धंधे उसके लिए पेट्रोलिंग करो। माननीय पुलिस आयुक्त के निर्देशन के अनुसार और माननीय पुलिस उपायुक्त धोंत्री मतानी सर के मार्गदर्शन पे कल हमारा पथक लक्ष्मण शेंडे हवालदार और प्रमोद शनिवार पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उनको रात को करीब 10:30 बजे के दरमियान भानखेड़ा पीली स्कूल के पास एक ऑटो MH31CV 6885 क्रमांक का ऑटो संशय स्थिति में मिला। उसको पकड़ने की कोशिश किया तो भगने लगा, तो हमारे पथक ने उसको दबोच के पकड़ लिया। ऑटो में बड़े ट्रक के 5 रबड़ी बैरल जिसमें करीब 1000 लीटर गांवटी महुआ दारू कीमत 1 लाख रुपए की मिली। ऑटो चालक सोनू ज्ञानेश्वर सेलोकर उम्र 28 साल लालगंज झंडा चौक सतरंजीपुरा इसको हिरासत में लेके उसको पुलिस स्टेशन में लाए और आरोपी सोनू ज्ञानेश्वर सेलोकर इसके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध क्रमांक 632/21 कलम 65 बॉम्बे महाराष्ट्र प्रोविजन एक्ट के मुताबिक मामला दर्ज किया है और 1 लाख की महुआ दारू और 80,000 का ऑटो ऐसा कुल जुमला 1,80,000 का माल जब्त किया है। आरोपी को पूछताछ करने के बाद आरोपी ने बताया कि इतनी भारी मात्रा में दारू उन्होंने नागपुर ग्रामीण से गोंड पपरी से खरीदा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में दारू किसने दिया और ये दारू कहाँ खरीदी थी इसका पता करके और आरोपी निष्पन्न किए जाएंगे। हाँ, इतनी भारी मात्रा में दारू लाने के कारण ये शंका है कि इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा। संबंधित पुलिस स्टेशन से उसकी माहिती लेके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ऑटो में जब दारू पकड़े तब आरोपी एक ही था, मगर अब ये दारू जहाँ से लाए उसको भी आरोपी किया जाएगा और ये दारू किसके लिए जा रही थी कहाँ जा रही थी उस मुताबिक आरोपी की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ से हुए नुकसान के चलते वहां के पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए 3 दिन के दौरे पर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर पश्चिम महाराष्ट्र के दौरे पर बुधवार को मुंबई से रवाना हुए। इस दौरान दौरे पर निकलने से पहले देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार से नैसर्गिक आपदा के नोम से बाहर जाकर मदद करने की गुहार लगाई। खूप आहे, लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे, सरकारने नॉर्म्सच्या बाहेर जाऊन मदत करावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे। आणि या संदर्भात मी परवा देखील बोललो आहे, आता एकदा सगळं असेसमेंट केल्यानंतर त्या संदर्भातला एक रिपोर्ट देखील अहवाल देखील आणि काय मागण्या लोकांच्या आहेत त्या आम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत। लोहामार्ग पुलिस का नागपूर स्टेशन थाना मंगलवार को अचानक सुर्खियों में आ गया जब PI सतीश जतगाले को SPM राजकुमार द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान नशे में धुत अपने कैबिन में फर्श पर सोते हुए पाया गया। आनन फानन में जतगाले को कंट्रोल रूम में भेजकर उनकी जगह PI मनीषा काशिद को थाने का चार्ज दे दिया गया। बताया गया कि दोपहर 3:30 बजे पुलिस अधीक्षक M राजकुमार द्वारा थाने के औचक निरीक्षण के दौरान PI जतगाले को नशे में धुत जमीन पर ही सोता हुआ पाया गया। उन्होंने फर्श पर टॉवेल बिछा रखा था। उधर व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में PI जगदाले को सस्पेंड करने की अफवाह फैली। हालांकि देर शाम तक वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जगदाले को सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ उनकी अर्जी पर थाने का चार्ज ले लिया गया। हालांकि अंदर खाने में चर्चा है कि जगदाले ने कुछ GRPF कर्मियों को काफी सर पर चढ़ा रखा था, ऐसे में अन्य GRPF कर्मी परेशान थे। इसी नाराजगी में किसी ने एक जगदाले का विकेट लिया है। सूत्रों के अनुसार दोपहर को SP राजकुमार ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस समय जगदाले अपने ऑफिस में फर्श पर टॉवेल बिछाकर गहरी नींद में पाए गए। स्वयं SP ने उन्हें जगाने का प्रयास किया लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। बार बार जगाने पर भी जगदाले नहीं उठे तो उन्हें ड्यूटी के मौजूद स्टाफ की मदद से होश में लाया गया। बताया जा रहा है कि SP को देखकर जगदाले ने कहा कि उनके पैर में काफी दर्द होने की वजह से उन्होंने कोई पेन किलर दवा ली थी जिससे वे इतनी गहरी नींद में थे। MIDC थाना क्षेत्र में बंद पड़ी महाराष्ट्र एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड MAPL कंपनी चोरों ने खाली कर दी। सिक्योरिटी कंपनी और सुरक्षा गार्ड की मिलीभगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कंपनी की मशीनरी सहित 75 लाख रुपए का माल चोरी किया गया।
पुलिस ने शीतला नगर देहू रोड पुणे निवासी मीता देवतोष घोष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। MIDC पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी करीब 12 एकड़ क्षेत्र में फैली है। मीता कंपनी के विजिलेंस अधिकारी है। वर्ष 2004 से यह कंपनी बंद पड़ी है। अक्टूबर 2008 में आखिरी बार कंपनी का ऑडिट किया गया था। इसके बाद से कंपनी बंद पड़ी थी और सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉम्बे सिक्योरिटी सर्विस को सौंपी गई थी। मीता ने अपनी शिकायत में सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर, सुपर सिक्योरिटी गार्ड और अज्ञात आरोपियों पर चोरी का आरोप लगाया है। चोरों ने सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर और सुरक्षा रक्षकों की मदद से कंपनी में चोरी की 45.53 लाख रुपए की मशीनरी, 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, 10 लाख रुपए के एयर कंडीशन, फर्नीचर, कंप्यूटर और ऑफिस के उपकरण सहित 75.74 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। विजिलेंस विभाग द्वारा कुछ अधिकारियों को कंपनी की जाँच के लिए नागपुर भेजा गया। 20 जुलाई को कंपनी के पदाधिकारी जायजा लेने पहुंचे तो पूरा परिसर खाली था। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगरे वर्मा ने विशेष सावधानी बरतने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को बैठक में दिया। जिले में अब तक 374 डेंगू के मरीज मिले हैं और इनमें छोटे बच्चों का भी समावेश है। उन्होंने सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाने और जिनके घरों में पानी जमा हो उन पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि जिले में जो 374 डेंगू मरीज मिले हैं उनमें ग्रामीण भागों में 212 और शहरी भागों में 162 का समावेश है। उन्होंने मनपा जिला स्वास्थ्य विभाग को तत्काल उपाय योजना करने के साथ ही जन जागृति अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। बैठक में जिलाधिकारी विमलार, CEO योगेश कुंभेजकर, अतिरिक्त मनपा आयुक्त राम जोशी, स्वास्थ्य उपसंचालक डॉक्टर संजय जायसवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डेंगू नियंत्रण के साथ ही कोविड के थर्ड वेव की संभावना और उपाय योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। डेंगू के अलावा भी अन्य संक्रामक रोगों का प्रादुर्भाव बारिश में होता है। उन्होंने विविध बीमारियों के रोगियों की खून की जाँच की जरूरत बताई। जिला प्रशासन और मनपा को इसके लिए उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने विविध संगठन के युवाओं को रक्तदान के लिए प्रशासन को सहकार्य करने की अपील भी की। पिछले करीब 2 सप्ताह से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आई थी। स्थिति यह थी कि जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 से ज्यादा नहीं आ रहा था, जबकि मरने वाले भी नहीं थे। लेकिन मंगलवार को आई रिपोर्ट में जिले में 14 संक्रमित होने की पुष्टि हुई। वहीं सिटी में एक मरीज की मौत भी हो गई। अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर सहित प्रशासन एक बार फिर सतर्क हो गया है। लग रहा था कि जिले में कोरोना वायरस अब अंतिम सांसें गिन रहा है। 2 सप्ताह से कभी 2 तो कभी 4 संक्रमित ही आ रहे थे। वही मौत पर भी अंकुश लगा था, लेकिन पिछले 24 घंटे के भीतर सिटी में 6 और ग्रामीण में 8 सहित कुल 14 मरीज मिलने से प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इसके साथ ही अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,92,836 हो गई है। वहीं सिटी में एक मरीज की मौत के साथ ही मरने वालों के आंकड़े 10,116 तक पहुंच गए हैं। फिलहाल जिले में 222 एक्टिव केस है। इनमें सिटी में 168 और ग्रामीण के 49 मरीजों का समावेश है। इस बीच 15 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। फिलहाल जिले में रिकवरी 97.90% तक पहुँच गई है।
डॉक्टरों की माने तो तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर अगस्त के महीने में एक बार फिर सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी हो जाएगी। माह के दूसरे सप्ताह से संक्रमण बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट के अध्यक्ष व प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर शांतिलाल कोठारी का मंगलवार को निधन हो गया। लाखोड़ी दाल को खुले बाजार में बिक्री करने और पाबंदी हटाने के लिए उन्होंने 40 वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। नागपुर सहित विदर्भ को सोया मिल्क की आदत लगाई। डॉक्टर शांतिलाल कोठारी ने 2015 में 86 दिनों तक सत्याग्रह आंदोलन किया था। अन्न त्याग आंदोलन के बाद केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लाखोड़ी दाल से पाबंदी हटाने का निर्णय लिया था। देश के अनेक राज्यों में लाख लाखोड़ी दाल का उत्पादन होता है, लेकिन दाल में शामिल कुछ विषाक्त घटकों से लाथेरिज्म नामक बीमारी होने की जानकारी के बाद केंद्र सरकार ने 1960 के करीब दाल के उत्पादन पर पाबंदी लगा दी थी। डॉक्टर कोठारी ने अपने अनुसंधान से सरकार के तर्क को गलत साबित किया था। उनका दावा था कि दाल का नियमित सेवन करने से भी किसी तरह की बीमारी नहीं होती। डॉक्टर कोठारी ने 1989 में पहली बार आंदोलन किया था। इसके बाद 2007 में दोबारा अन्न त्याग आंदोलन किया। यह आंदोलन 86 दिनों तक चला था। वर्षों से प्रशासक की देखरेख में चल रहे ताजबाग को लेकर हाल ही में जिला न्यायाधीश द्वारा ट्रस्ट के नए सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। नियमों के विपरीत ट्रस्ट में सदस्यों के नियुक्ति होने का हवाला देते हुए मंगलवार को मोहम्मद मोबिन काजी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश वीएम देशपांडे ने याचिका की योग्यता पर खुलासा करने के लिए समय मांगे जाने के बाद याचिकाकर्ता को सोमवार तक का समय प्रदान किया। साथ ही अदालत ने उचित बेंच के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के भी आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अथर्व मनोहर और प्रतिवादी पक्ष हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता SS अहमद ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी घोषित करने से पहले सेवानिवृत्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की प्रशासक के रूप में नियुक्ति की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोहर ने कहा कि याचिका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत दायर नहीं की गई है, जबकि योजना की धारा 7A के तहत इसे दायर किया गया है। जिला न्यायाधीश की ओर से सभी सदस्यों की योग्यता और साक्षात्कार का हवाला देकर सदस्यों की नियुक्ति किए जाने के आदेश जारी किए, किंतु आश्चर्य यह है कि पहले नंबर के सदस्य प्यारे जिया खान का साक्षात्कार ही नहीं हुआ है। दूसरे नंबर के याचिकाकर्ता क्रिश्चियन समाज से आते हैं, उनका भी साक्षात्कार किया गया था, किंतु उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अयोग्यता के लिए गए कारणों पर भी आपत्ति जताई गई। आलम यह है कि ट्रस्ट का अध्यक्ष बिना साक्षात्कार नियुक्त कर दिया गया है। पेटीएम पेमेंट पर कैशबैक का झांसा देकर साइबर ठग ने एक व्यक्ति को चूना लगा दिया। भेजा गया QR कोड स्कैन करते ही खाते से रकम चली गई। पुलिस ने टाटा कैपिटल मेडिकल चौक निवासी वेंकटेश रज्जू रामचंद्र मारपाका की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि विगत 17 जुलाई को मारपाका ने ऑनलाइन शराब ऑर्डर की। शराब का 1,300 रुपए का बिल पेटीएम द्वारा पेड किया। कुछ देर बाद ही उन्हें अज्ञात आरोपी ने फोन किया। उन्हें बताया कि पेटीएम द्वारा पेड किया हुआ बिल उन्हें वापस मिल जाएगा। इसके लिए उन्हें पेटीएम पर भेजा गया QR कोड स्कैन करके पेड 1,300 लिखकर भेजना होगा। मारपाका ने आरोपी द्वारा भेजा गया QR कोड स्कैन किया ही था कि खाते से 19,865 रुपए डेबिट हो गए। खाते से पैसे डेबिट होने का मैसेज मिलने पर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आरोपी के मोबाइल पर फोन किया और खाते से रकम डेबिट होने की जानकारी दी। आरोपी ने कहा कि गलती से रकम उनके खाते से डेबिट हो गई है, रकम वापस कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए दोबारा QR कोड स्कैन करना होगा। मारपाका ने रकम वापस लेने के लिए दोबारा आरोपी की बात पर विश्वास कर लिया। जैसे ही कोड स्कैन किया, दोबारा उनके खाते से 19,865 रुपए डेबिट हो गए। इसके बाद आरोपी का फोन भी बंद हो गया। मारपाका ने मामले की शिकायत इमामवाड़ा पुलिस से की। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। शहर के विभिन्न भागों में लगाए गए महापुरुषों, महान समाज सेवियों और शहीदों के पुतलों और स्मारकों के रखरखाव को लेकर युवा कांग्रेसियों द्वारा मनपा के खिलाफ जारी अभियान रंग दिखाने लगा है। सक्करदरा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुतले और परिसर के खराब रखरखाव को लेकर किए गए आंदोलन के बाद मनपा जागी।
मंगलवार को मनपा कर्मियों ने पूरे परिसर को अच्छे से साफ किया। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के निर्देश पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे के नेतृत्व में शहर सचिव आनंद तिवारी और योगेश तिवारी के मार्गदर्शन में युवा कांग्रेसियों ने इंदिरा के पुतले की सफाई की थी। यहाँ फैली गंदगी को इंदिरा का अपमान कहकर साफ किया गया था। इसके बाद मनपा के रवैया को लेकर हर तरफ आलोचनाएं शुरू थी। इंदिरा के अपमान का आरोप झेल रही मनपा ने आखिर स्वयं ही काम पर लगना ठीक समझा और मंगलवार को यहां चार कर्मचारियों द्वारा सफाई करा दी गई। इस बारे में जानकारी मिलते ही शहर सचिव आनंद तिवारी ने कहा कि मनपा के इस काम से हर कांग्रेसी आभारी है कि उन्होंने देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में गिनी जाने वाली इंदिरा को आखिर सम्मान दिया। लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ यही तक नहीं है। जब तक मनपा शहर के सभी 68 पुतलों और 14 स्मारकों का उचित रखरखाव शुरू नहीं कर देती, युवा कांग्रेसियों का ये अभियान जारी रहेगा। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।